नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कोरोना से बचने के लिए WHO की तरफ से जारी किए गए फूड गाइड के बारे में। COVID-19 ने अपना रूप बदल लिया है। बीते कुछ दिनों से मिल रहे मामलों में नए तरीके का वेरिएंट पाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम नागरिकों को भी डराना शुरू कर दिया है। जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से लोग अपनी सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच WHO की तरफ से सभी लोगों से अपील की गई है कि सब लोग COVID-19 के बढ़ रहे माहौल के बीच खानपान का खास ध्यान रखें। इतना ही नहीं, बार बार हाथ धोने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा। खानपान की बात करें तो अच्छी डाइट से ही इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आप खुद को COVID-19 से बचा पाएंगे। WHO ने इस बाबत किस तरीके की डाइट लेनी जरूरी बताई है, इस बात की जानकारी साझा की गई है। WHO की माने तो हर आम नागरिक को अपनी डाइट में ताजे फल और अनप्रोसेस्ड फूड शामिल करने की सलाह दी गई है, जिससे आपको जरूरी विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट समय समय पर मिल सके। इतना ही नहीं, WHO ने यह भी साफ किया है कि आप सब्जियों को ज्यादा पकाकर ना खाएं। हर दिन कम से कम आप 2 कप फल, 2.5 कप सब्जियां, 180 ग्राम अनाज और 160 ग्राम मीट और सेम खाएं। हफ्ते में 1-2 बार रेड मीट और 2-3 बार चिकन खा सकते हैं। शाम के समय हल्की भूख लगने पर कच्ची सब्जियां और ताजे फल खाएं। सब्जियों को ज्यादा ना पकाएं, वरना इससे जरूरी पोषक तत्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अगर आप डिब्बाबंद फल या सब्जी खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें नमक और शक्कर ज्यादा ना हो। इसके साथ ही COVID-19 के इस माहौल में आप ज्यादा नमक खाने से परहेज करें। WHO की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम से अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से लोग ज्यादातर फ्रोजन चीजें खरीद रहे हैं, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए सामान खरीदते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें। WHO ने नमक कम के साथ साथ मीठा कम खाने की नसीहत दी है। एक व्यक्ति को एक दिन में 6 टीस्पून से ज्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो मीठे और ताजे फल आप खा सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके फैट वाली चीजों से आप पूरी तरीके से दूरी बना ले। एक व्यक्ति को एक दिन में केवल 30% ही फैट वाली चीजें खानी चाहिए, जिससे केवल 10% ही सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। हालांकि इन सब के बीच आपको ध्यान रहे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर डाइट अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करनी है। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फाइबर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में फाइबर जैसे कि फ्रूट, दाल, सब्जियां और फुल ग्रेन फूड खाते हैं तो यह ओवर ईटिंग से बचाता है। फाइबर वाले डाइट से बार बार भूख भी नहीं लगती। इसके साथ ही समय समय पर पानी पीना बहुत जरूरी है। WHO की माने तो किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर दिन कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। जो लोग फ्रोजन फ्रूट्स खरीदते हैं उनके लिए यह बहुत जरूरी है कि सभी तरीके के पोषण फ्रूट जैसे कि बेरीज, पाइनएप्पल और आम का सेवन आप करते रहें, क्योंकि इनमें फाइबर और विटामिन की मात्रा काफी ज्यादा मौजूद होती है। अगर ये फ्रूट ताजे हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही बीन्स, छोले और दाल जैसी चीजें जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स होता है, इसे जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। इन्हें आप सूप और सैलेड की तरह भी खा सकते हैं। अगर आपको अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है तो सबसे अच्छा सोर्स अनाज माना जाता है। सभी तरह का अनाज, इसलिए मल्टीग्रेन आटा, होल ग्रेन पास्ता, इसके साथ ही ओट्स, किवनोआ जैसे चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। रिफाइंड चीजों से जितना ज्यादा हो सके आप परहेज करें। नॉन वेजिटेरियन लोग अंडे का सेवन कर सकते हैं। अंडे प्रोटीन और न्यूट्रिशंस का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, इसे डाइट में जरूर शामिल करें। अंडा खाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इसे फ्राई नहीं करना है, इसे उबाल कर खाना ज्यादा आसान और फायदेमंद होता है। इसके साथ ही आप खाना बनाते वक्त 5 फूड टिप्स को अपना सकते हैं। खाना बनाते वक्त आप हाथ, बर्तन और किचन को अच्छी तरह से साफ करें। कच्चे मीट और पकी हुई चीजों से और बाकी सभी चीजों को अलग अलग रखने की आदत डालें। खाना अच्छी तरीके से पकाकर खाएं, कच्चा ना रहने दें। खाने को सिर्फ 5 डिग्री से कम या 7 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में रखें। खाना बनाते वक्त साफ पानी का इस्तेमाल करें। COVID-19 के माहौल में यह बेहद जरूरी हो गया है कि लोग अपने अपने खान पान पर खास ध्यान दें, क्योंकि COVID-19 सीधे तौर पर आपके इम्यूनिटी पर प्रहार करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी किसी भी तरीके से कमजोर है तो यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है और आपके शरीर पर यह वायरस ज्यादा हावी हो सकता है, जिससे कई बार लोगों को कई दिनों तक अस्पताल में गुजारना पड़ जाता है। इतना ही नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने के कारण कई लोगों की जान भी चली गई है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो आप इस वायरस का सामना आसान तरीके से कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने खान पान के तरीके को बदले। साथ ही WHO की तरफ से सुझाए गए सभी न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, प्रोटीन को अपने खाने में जरूर शामिल करें ताकि आप सेहतमंद रह सके, जिससे कि अगर आपके पास वायरस आए भी तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप अपने खान पान की आदत को जरूर सुधारेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।